मुझे हैरत हो रही है, आज मुझसे मिलने का वक्त कैसे मिल गया तुम्हें? जितनी हैरत तुम्हें मुझे यहाँ देखकर हो रही है ना, उससे ज्यादा हैरत मुझे हुई थी जब मुझे ये मालूम हुआ कि हमारे रिश्ते की बात चल रही है। कैसा रिश्ता? शादी का रिश्ता, हमारी मैरिज प्रपोजल। तुम्हें नहीं पता? तुमसे किसने कहा? रोमा की मम्मी ने मुझसे कहा। अपेरेंटली राधा जी उनसे मिलने गई थी और मेरे बारे में पूछताछ कर रही थी। मैंने सोचा इससे पहले बात आगे बढ़े तुमसे एक बार मिल लूं कि तुम राजी हो या नहीं। सनी, राजी होना तो दूर की बात है, मुझे किसी ने बताया भी नहीं इस बारे में। और सच कहूं सनी, तो मेरा शादी करने का इरादा ही नहीं है। का इरादा नहीं है या उससे शादी नहीं करना चाहती? मुझे नहीं पता सनी, अचानक कोई मेरे सामने आकर खड़ा हो जाए, ये कहेगी उसे मुझे शादी करनी है और मैं हाँ कह दूं, मुझसे ये सब कुछ नहीं होता है। It's okay, अमिता, it's okay. I can understand. अपने पहले प्यार को भूलना इतना आसान नहीं होता। सनी, मुझ पे जुमले कसने का कोई हक नहीं है तुम्हें, प्लीज। अमिता, I'm sorry अगर तुम्हें बुरा लगा हो, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ ये कहने आया था कि तुम मुझे अच्छी लगती हो। तुम्हारे साथ शादी करने में मुझे कोई एतराज नहीं है, तो अगर तुम राजी हो तो सोच कर कह देना, मैं आ जाऊंगा। टेक केयर, बाय। था क्या? उसकी गाड़ी ने अभी-अभी हमारी गाड़ी को क्रॉस किया। क्या कह रहा था वो? सनी के साथ मेरा रिश्ता तय करने के लिए किसने कहा था आपसे? ये फैसला मैंने और तुम्हारे डैडी ने मिलकर किया था। मुझसे बिना पूछे आप लोग ने ये फैसला किया कैसे? जबकि मैं आप लोगों को कह चुकी हूं कि मुझे शादी की कोई जल्दी नहीं है, तो फिर ये सब कुछ करने की क्या जरूरत थी? हम लोगों को तुम्हारी फिक्र है, इसलिए मुझे मालूम है कि आपको मेरी कितनी फिक्र है। आपकी वजह से मेरी और सुभाष की शादी नहीं हो पाई। सुभाष मुझे लेने आया था, लेकिन आप ही ने उसे रोका। अमिता, क्या नाप चला बकरी है? डैडी इनसे कह दीजिए, मैंने हमेशा आजाद जिंदगी बसर की और हमेशा करूंगी। कोई अपनी मर्जी मुझ पर लादने की कोशिश करेगा तो मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी। सिंह के ऑफिस में इतनी मेहनत से काम करती थी, कभी उन्हें शिकायत का कोई मौका नहीं दिया, लेकिन वो इस तरह मेरे पीछे पड़ गए जैसे हमारी कोई पुरानी दुश्मनी हो। उनका फिर फोन आया था, दिनेश तो बहुत बिगड़ा, मुझसे कहने लगा कि अभी जाकर उनसे निपट लेता हूँ। बड़ी मुश्किल से मैंने उसे रोका। उसे रोका क्यों? ऐसे आदमी की तो पिटाई होनी ही चाहिए। उससे क्या होगा विशाखा, बात और बिगड़ जाएगी। प्रीति, तुम कहो तो मैं उसकी मरम्मत कर दूं। तुम कैसे करोगी? जासूस बनके, प्राइवेट डिटेक्टिव। सारे हिसाब किताब के रजिस्टर्स वो अपने कैबिन में रखता है। जितना भी लेन देन हुआ है उन रजिस्टर्स में जरूर लिखा होगा। मैं तो रजिस्टर ही उठा लाती हूँ। अगली बार वो तुमसे पैसे मांगेगा तो रजिस्टर उसके सामने रख देना। ये तो बहुत खतरनाक काम है, अगर तुम पकड़ी गई तो मैं उसके हाथ नहीं आऊंगी।
मुझसे पहले वो ही पकड़ा जाएगा। तुम घर जाओ और बिल्कुल चिंता मत करो। इस सिंह के बच्चे से तो मैं नहीं। मिस विशाखा, मैं एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, एक घंटे के बाद लौटूंगा। आप यहां से लेके नहीं जा सकते हैं। लाइए एंड गेट आउट। आई सेड गेट आउट। कल से ऑफिस में आने की जरूरत नहीं है। यू आर डिसमिस्ड। आप मुझे क्या निकालेंगे? मैं खुद आप जैसे आदमी के दफ्तर में काम नहीं करना चाहती। फुर्सत बिनी की दो मिनट बात कर सको? मूड नहीं है। किसी से झगड़ा हुआ है क्या? किसी से भी नहीं। तो फिर मूड क्यों खराब है? अब मूड खराब है तो है, किस वजह से खराब है, क्यों खराब है, ये तुम्हें क्यों जानना है? सॉरी सॉरी, गलती हो गई, जो पूछ लिया। कैरी ऑन। विजय, I'm sorry. कोई बात नहीं, हो जाता है ऐसा कभी कभी, no problem. तुम अगर बिजी हो तो बाद में बात कर लेंगे। नहीं, तुम शाम को फ्री हो? शाम को फुर्सत ही फुर्सत है। कहो। वो तुम्हें ट्रीट देने का वादा किया था ना मैंने, चलोगे मेरे साथ? देखी और पूछ पूछ, कहो तो अभी चले? नहीं नहीं अभी नहीं, शाम को ड्यूटी खत्म होने के बाद। All right then, मैं शाम को तुम्हें लेने आ जाऊं। Okay. See you then. क्या पियोगे? मेहमान तुम हो, मुझे पूछना चाहिए। ठीक है, I'm sorry, पूछो। क्या पियोगे? अमिता वैसे तो शराब मेरी छोड़ रखी है, लेकिन आज दो चार घूट पीने को दिल कर रहा है। दिल कहता है तो पी लो, हमेशा दिल की बात माननी चाहिए, पता नहीं धड़कने कब बंद हो जाए। तो सही कह रही हो तुम, धड़कने हैं तो सब कुछ है, वरना कुछ भी ना। ये बताओ आज सुबह तुम्हारा मूड क्यों खराब था? मूड मेरा अभी अभी ठीक होने लगा है, तो उसे दोबारा बिगाड़ना चाहते हो? नहीं नहीं, मैं ऐसा क्यों चाहूंगा? तो फिर कुछ मत पूछो ना प्लीज। ओके ओके, सो बताओ ना क्या पियोगे? तुम जो पियोगे भाई, मेरा मतलब है मैं अपने मेहमान का साथ देना चाहती हूँ। ये मेहमान भी अपने मेजबान का पूरा साथ देगा, ये वादा है। देखते हैं कौन कितने वादे निभाता है। वेरा, अमिता अभी तक नहीं आई, जरा उसके होटल में फोन करो। ना बाबा, आप ही फोन कीजिए, वरना वो मुझ पे बिगड़ जाएगी, कहेगी कि मैं उस पे नजर रखती हूँ।
काफी लेट हो गई, मैं तुम्हारे होटल फोन करने जा रहा था। सॉरी डैडी, आज फिर देर हो गई। लेकिन डैडी आज मैं होटल नहीं गई थी, बाहर गई थी और बहुत अच्छा वक्त गुजार के आई हूँ। प्लीज प्लीज अब सवाल मत पूछना, कहाँ गई थी, किसके साथ गई थी, क्यों गई थी। प्लीज मुझे बहुत नींद आ रही है। ओके बाय, गुड नाइट। अब तो आपकी बेटी घर आ गई है ना, अब तो फिक्र नहीं है और आइंदा भी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने अपनी आजादी का पूरी तरह से ऐलान कर दिया। चलिए सो जाइए। बाबूजी, बाबूजी प्लीज मेरी मदद करी। क्या हुआ बेटा? मुझे नहीं मालूम बाबूजी मैं क्या करूं। वो सिंह है ना, वो मुझे परेशान कर रहे हैं, बार बार फोन करके पैसों का तकाजा कर रहे हैं। फिर फोन किया उसने? जी, उन्होंने तो विशाखा को भी नौकरी से निकाल दिया। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा बाबूजी, अब जब वो फोन करेंगे तो मैं उनसे क्या कहूँ। मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, अब मैं उस आदमी को जवाब दूंगा। तो जा, और इस बारे में अब बिल्कुल फिक्र मत कर। बोलो चौधरी जी आए? अगर मैं यहाँ आया हूँ तो इसमें चौंकने जैसी तो कोई बात नहीं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं चौधरी, ठीक कह रहे हैं, इसमें हैरत की बात कोई होनी ही नहीं चाहिए। प्रीति जैसी शरीफ लड़की जब रुपया चोरी करने की जरूरत कर सकती है। हमसे बात, प्रीति की गलती यह है कि उसने यहाँ नौकरी की। रुपयों के मामले में तुझ पर भरोसा किया और तुझसे रसीद नहीं ली, ये उसकी दूसरी गलती थी। ये मत समझना कि हम तुम्हारी धमकियों से डर गए हैं। लेकिन जो गलती की है उसका हर्जाना देने आया हूं मैं। ये रहे तुम्हारे 3 लाख रुपए। आप यहां कैसे? आपको बताने आया हूं, आपने तो रुपए दिए नहीं, इसलिए मैंने ही उनका इंतजाम कर लिया। कौन से रुपए? हेलो, आपकी याददाश्त इतनी कमजोर है या इस वक्त कर रही है? चलिए मैं ही आपको याद दिला देता हूं, ये वही रुपए हैं जो हमने ट्रक ड्राइवर को देने थे। अगर आप ये भी भूल रही हो कि कौन सा ट्रक ड्राइवर, तो ये वही ट्रक ड्राइवर है जिसने दिनेश और प्रीति की गाड़ी को उड़ाया। इतना सब कहने की क्या जरूरत है? एहसान जताने आई हो? नो, नेवर। आपने शुरुआत ही कुछ ऐसे की थी, अगर पहले समझ जाती तो इतनी सारी बातें कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और वैसे भी मुझे एहसान करने की आदत नहीं, इसलिए एहसान जताने का सवाल ही नहीं खड़ा होता। मैं तो आपको एक अजीबोगरीब बात बताने आया था जिसे सुन के आप दंग रह जाती हैं। कौन सी बात? चौधरी के दामाद और बेटी का एक्सीडेंट हुआ और वो एक्सीडेंट करवाने की कीमत भी उसी ने अदा की।
3 लाख रुपए वसूल किए। अब ये मत पूछना कि इतनी बड़ी रकम चौकी देने के लिए राजी कैसे हुआ। हेलो, ये एक लंबा चक्कर है, तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि यह सब कुछ कैसे हुआ। ठीक है, एक्सीडेंट तुमने करवाया, तुम मारना चाहती थी उसे, लेकिन क्यों? इनकी याददाश्त बहुत कमजोर है, मैं बताता हूं। आप चुप रहिए, ये बात मैं सुमित्रा देवी के मुंह से सुनना चाहता हूं। बोलिए सुमित्रा देवी, क्या सुनना चाहते हो? चौधरी परिवार से जो इंतकाम तुम ना ले सके वो मैंने लिया, लेकिन अफसोस कि दोनों बच गए और इंतकाम अधूरा रह गया। तुम जानती हो कि मैं प्रीति को कितना चाहता हूं, इसके बावजूद तुमने फजूल की बातें मत करो। वो लड़की तुमसे नफरत करती है और तुम अब भी उसे प्यार करते हो। उस लड़की ने मानसी का खानदान का अपमान किया है, वो घर छोड़कर चली जाए, ये मानसी का खानदान में पहले कभी नहीं हुआ। क्या उसकी इतनी बड़ी सजा दोगे तुम? जान ले लोगी उसकी? नमस्ते बा साहब। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? अब तो आ ही गए हो ना। तबीयत पूछने आए हो तुम? जी नहीं, सिर्फ तबीयत पूछने नहीं आया हूं। लेकिन बात है, एक बात जरूर है, मुझे हमेशा आपकी फिक्र रहती है, हमेशा आपका ख्याल रहता है। इस वक्त मैं आपसे एक जरूरी बात कहने आया हूं। कहो, क्या कहने आए? मैं जो कुछ भी कहूंगा उस पर यकीन करना होगा आपको, भरोसा करना होगा कि वो सच है। जिस इंसान पर से एक बार भरोसा उड़ जाए उस पर विश्वास करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए ऐसी शर्त मत रखो। बासाहेब, मैं क्या आपके सामने शर्त रखूंगा? मैं जानता था कि आप मुझ पर यकीन नहीं करेंगे, इसलिए मैंने ऐसा कहा। दरअसल बासाहेब, प्रीति और दिनेश का जो एक्सीडेंट हुआ था वो हुआ नहीं था, करवाया गया था।